नमस्कार अर्गस बी ब्रेकिंग को स्वागत करुछु माथुरी ये आमे वर्तमान समय जो कथा आलोचना करबा को जाउछु कि भली एठारे आसुछि अर्थात स्मशान एठारे लिभुनी निया आमे एक कथा एति पई कहउछु काई किना कि भली सत मृत्यु और मिच्छ रिपोर्ट देखाउछन्ती सरकार ये तथ्य सहित आमे आपनक सामने रे उपस्थापन करबा को चाहउछु। वर्तमान जो चित्र आसी आप गत कालीर दृश्य देखिथिले नुआपड़ारु कि भली आसिला एभली समय रे कोरोनार महामारी समय रे जणक परे जणकर मृत्यु होइछि ये सब भितरे संक्रमितक संख्या जेते दूर बढ़ुछि मृतकक संख्या मध्ये से भली भाबरे बढ़ुछि आ ये सब भितरे कि भली सरकार मिच्छ रिपोर्ट रखुछन्ति बा मिच्छ तथ्य देखाउछन्ति आमे आपनकु ता कहबाकु चाहौछु काहेकि ना आपण पूर्वर देखिथिले नुआपड़ा आ नुआपड़ा परे पुणि थरे संबलपुर आसिछि सांघातिक अभियोग संबलपुर राजघाट दृश्य आपण माने देखुछन्ते सीधा सड़क जे सेठारे सब दाहर तथ्य सरकार को मिच्छ उपर परदा हटाई ये होची आम हाथ में एक्सक्लूसिव दस्तावेज मध्य लागी को पूरा संपूर्ण विवरण देखाइबो किंतु ता पूर्वर आपण ये विजुअल को देखंतु जेउथिरे ये विजुअल कहुची जे केते लोकंकर सेठारे मृत्यु होची किंतु प्रत्येक दिन जणक परे जणकर मुंटो जाउची कोरोना महामारी रे ये होची सात दिन दृश्य आपण माने देखंतु किभली सेठारे जुई चलुची अर्थात किभली भाबरे सेठारे लोकंकर सबदाह करा जाउची निया सेठारे लिभुनी किंतु एभली समय रे सरकार कहउचंती संबलपुर रे मात्र जणकर मृत्यु होईची कोरोना रे किंतु रिपोर्ट अन्य किछि कहउची बा रिपोर्ट जहा रहीची सरकारी तथ्य जहा कहउची बा दस्तावेज जहा कहउची आउ किछि भिन्न कहउची आमे आपनकु सात दिन रिपोर्ट देखाइबो आ ये होउची सात दिन रिपोर्ट म आपनकु देखाइबा कु चाहिबे। प्रथमे आपन नजर पकांतु ये होउची 28 तारीख रा रिपोर्ट रहीची 28 तारीख रिपोर्ट रहीची एवं कोविड पेशेंट नेम रहीची ये देखंतु आपन माने भलो भाबरे आ ता तळकु देखंतु ये जो मृतकंकर ना मध्ये सटीक ढंगरे लेखा जाईची आपन माने देखंतु सौभाग्य मिश्रा रहीची ममता रहिछंती शुभजीत एभले अनेक जण ना रहिछंती एवं तांकर एज सहित एड्रेस मध्ये रहीची जे सेमाने को जगारु बा को स्थानरु रहिछंती ये आपन माने देखिले किभली 28 तारीख रा थिला ता परवर्ती समय रे मु आपनकु देखाउची 27 तारीख बस 27 तारीख रे केते जणा कोविड रे मृत्युबरण करिछंती ये हुची से चित्र मु आपनकु पुणी थरे देखेबा को चाहिबी जे कोविड पेशेंट ने ये देखंतु से कोविड पेशेंट रे रहिछ त ये हुची 27 तारीख आ एठारे देखंतु रहिछंती मनोज नायक रहिछंती स्वाति मिश्र रहिछंती ये हुछंती जणक परे जणकर मृत्यु होईछि कोविड रे तांकर एज मध्ये एठारे रहिछि सीधा सळका एड्रेस मध्ये रहिछि अर्थात एठारे स्थान मध्ये आपण माने देखि पारुछंती जे लोकंकर किभली भाबरे मृत्यु होईछि किंतु सरकार कहउछंती एठारे जणकर मृत्यु होईछि अर्थात 30 तारीख रे केवल जणकर मृत्यु होईछि जहा कि सरकार कहउछंती एवं ये होउछि सरकारी तथ्य म आपण देखाउछि जे एठा देखंतु सीधा सळका लेखा जाइछि जे किभली भाबरे मात्र जणकर मृत्यु होईछि 30 वर्ष रे जणे रहिछंती संबलपुर रे जे कि तांकर मृत्यु होईछि एक कथा कहा जाउछि किंतु आमे आपनकु जो दस्तावेज देखाइलु बा आमे आपनकु जो कथा कहिलु ये होउछि ता दृश्य आपण माने देखि पारुछंती 25 तारीख रे मध्ये आपण माने देखंतु कोविड पेशेंट नेम रहिछि एवं ता परवर्ती समय रे ये होउछि 29 तारीख रे मध्ये रहिछि ता परवर्ती समय रे देखंतु 30 तारीख किंतु सरकार कहउछंती मात्र जणकर मृत्यु होउछि अर्थात सरकारी रेकॉर्ड जहा कहउछि भिन्न एवं जो कथा आपण माने देखुछंती ये दृश्य ये आउ किछि भिन्न कथा कहउछि सरकार कहउछंती मात्र जणकर मृत्यु होइछि किंतु एठारे त आमे आपनको सीधा सळख दृश्य देखाइलु मु आपनको कहि रखिबी जे 24 तारीख रे 14 जणकर शवदाह करा जाइतिला ये जो स्मशान रो दृश्य आसुछि ये जो स्मशान रो जो देखुछंती आपण माने एठारे नियाली भुनी किंतु सरकार कहउछंती मात्र जणकर मृत्यु होइछि 24 तारीख परे 25 तारीख रे 11 जणकर होइतिला एवं 26 तारीख रे 8 27 रे सेभली 9 जणकर होइतिला 28 रे मध्ये 9 जणकर होइतिला 29 रे मध्ये 12 जणकर होइतिला 30 तारीख रे एभली आमे आपनकु सात दिन तथ्य देखाइलु ये सात दिन तथ्य गोटे कहुतिबा बळे सरकार किंतु कहउछंती बा सरकारी रेकॉर्ड जहा कहउछि स्वास्थ्य विभाग रे ये जो ट्वीट जहा कहउछि जे 30 तारीख रे केवल जणे रोगीकर मृत्यु होइछि अन्य दिन कहार भी मृत्यु होइनी तबे आमे ये जो तथ्य देखाइलु ये कोन मिछ रहितला ये जो सात दिन तथ्य आपण माने देखिले 24 रु 30 तारीख भितरे ये कोन मिछ थिला काहेकि ना ये देखंतु कोविड पेशेंट जो माने आपण माने देखुछंते विजुअल देखुछंते जे कोविड पेशेंट को ना रहिछि तांक बयस केते रहिछि तांकर एड्रेस अर्थात तांक स्थान मध्य रहिछि आ ये सब भितरे जो कथा आमे कहुछु जे प्रशासनक कथा कह जाउ बा जिलापालक कथा कह जाउ बा म्युनिसिपालिटी कर्तृपक्ष एने चुप रहिछंते काहे कि एपर्यंत तांक मुहरे कोनोसे प्रकार प्रतिक्रिया मिलि पारु नै। वर्तमान आम सहित सीधा सळख संबलपुर जोडी रहिछंते आम प्रतिनिधि
मलय भई मलय आपण रिपोर्ट फाइल करिसेंती एवं आपण मध्य सेठाकर ग्राउंड जीरो रो स्थिति देखुचेंती एवं सेठारे जो स्मशान रो कथा हमें कहउचो राजघाट स्मशान रो जो दृश्य हमें देखाउचो सेठारे तो जुई लिभु नाही अर्थात सेठारे तो निया लिभु नाही किंतु सरकार तो कहउचेंती एठारे गोटिए मात्र जणकर मात्र संबलपुर मृत्यु होईचे तो वर्तमान समय म्युनिसिपालिटी कर्तृपक्ष कथा कह जाऊ बा जिलापाल कोनसी प्रतिक्रिया देछेंती कि निश्चित पक्षे माधुरी देखो आम जो रिपोर्ट देखो ये पाखापाखि गोटे सप्ताह 24 रु 30 तारीख गोटे सप्ताह रिपोर्ट देखुलु जो थे कि पाखापाखि प्रत्येक दिन 8 9 जन 10 जन एभली मिसिकी पाखापाखि 70 जन 7 दिन भितर मृत्यु होता पूरापूरी तथ्य आम पाखे अच्छी जहाँ आम रिपोर्ट एक्सक्लूसिव रिपोर्ट अर्घ सात लगी आम पाइचु कि अगर कथा देखा प्रत्येक दिन जिते बेले कोरोना तथ्य आसते केते जिले में केते कोरोना संक्रमित होती तार तथ्य आते से दिन जिले में केते मृत्यु तार तथ्य आस आम देखी था प्रत्येक दिन संबलपुर केवे गोटे ना केवे दुईटी किंतु ये जो तथ्य बर्तमान समय बयान कर संबलपुर जिले में मृत्यु संख्या किभ रही संबलपुर बुर्ला कोविड हस्पिटल केते जन मृत्यु होती से सब मानक अणा जा कोविड राजघाट कणा तार पर चित्र बर्तमान समय आप देखुवे गोटे पटे जो भिजुआल स्पष्ट कर जुई दिन तमाम जलुच्छे राति दिन सब बेले राजघाट जुई जलुच्छे गोटे पर गोटे शब कोविड शब अणा आंबुलांस मध्य देखुए कि अंपटे जो तथ्य मध्य जहाँ बयान कर प्रत्येक दिन 8 9 जन 10 जन एभली प्रत्येक दिन अधिक रु अधिक लोके कोविड आक्रांत मृत्यु होती जहाँ को नहीं को आणिकी संबलपुर राजघाट में शवदाह करपटे देखा सरकार ये समस्त तथ्य को वर्तमान समय लुचे चेस्टा करते वर्तमान समय जिते बेले सामना आठी जना पड़ी कोविड ट्रीटमेंट कोविड रो स्वास्थ्य सेवा किभली चली संबलपुर बुर्ला हस्पिटाल किभली स्वास्थ्य सेवा जगह ता कथा ये पूरा पूरी प्रमाण कर संबलपुर बुर्ला हस्पिटाल ये जो समस्त आप देखुए जो कोविड शव अच्छा ये समस्त कोविड शव मैंने बुर्ला हस्पिटाल बुर्ला कोविड हस्पिटाल मृत्यु होता समस्त कोविड शव को संबलपुर राजघाट कणाई और सेठी तर शवदाह करें देखुलू पाखापाखि जो दिन आम भिजुआल कवर आनी रेकर्ड करूँ से दिन देखीलु आम थी समय अनेक कोविड शव को आणुते पीपी किट लगे कि आंबुलांस मध्यम आणुते शब दाह पूरा पूरी काठ प्रस्तुत कर रखा जाता तार भिजुआल आप देखुए एमती से समय अन्य पाख जुई में पाखापाखि दुई रु तीन टानी पूरा निआ जलुते जुई लिभि ना परवर्त समय संगे संगे गोटे पर गोटे शब पूरा पूरी रखा जाता जुई जुई लगे कि निश्चित पक्षे देखा ये चित्र ये तथ्य बर्तमान समय बयान कर पश्चिम ओडिशा बा संबलपुर बुर्ला कोविड हस्पिटाल किभली स्वास्थ्य सेवा जगह किभली कोविड रोगी को चिकित्सा कराई जहाँ फल बर्तमान समय मृत्यु हो पाखापाखि प्रत्येक दिन 8 रु 9 10 जन एभलिक मृत्यु होती अंपटे सरकार का जो तथ्य कहे संबलपुर आज केवल जड़े मृत्यु हेले संबलपुर आज केवल दुईज मृत्यु हेले ये कथा केवल सरकार लोक देखाणिया करे चित्र हे बयान कर ये तथ्य हे बयान करती वर्तमान समय संबलपुर किभली कोविड मृत्यु संख्या बढ़ुची कहीं जिते बेले 7 दिन रिपोर्ट जहाँ कहे 7 दिन 70 जन का मृत्यु हो तो निश्चित पक्षे देखा सरकार गोटे पले कथा को जिते लुचे चेस्टा कर तार पूरा पूरी सठिक तार प्रमाण पूरा निजे राजघाट बयान करती सरकार को तथ्य लुचे को राजघाट दौन कहीं जिते बेले जन कोविड आक्रांत मृत्यु होती हस्पिटाल भितर तार शव दाह वर्तमान समय राजघाट कणा कि राजघाट बयान करघाट ही कहे बर्तमान समय कोविड आक्रांत के मृत्यु होती अंपटे जो सरकार ये घटना को लुचे चेस्टा कले कि राजघाट पूरा पूरी घटना सत हो आपण किसी समय राजघाट समग्र छिड़ा देखिपारे जो प्रकार प्रत्येक दिन आंबुलांस आसूसी जो प्रकार कोविड सब अणा के रखा पूरा पूरी चित्र से ही स्थान रे बयान कर ये तथ्य मध्य पूरा पूरी कहते जो प्रत्येक दिन केते मात्रा रे कोविड रोगी मृत्यु होते कि सरकार आम जो देखुचे प्रत्येक दिन टोटाल ओडिशा रे 5 रु 6 जन प्रत्येक दिन मृत्यु होते कि संबलपुर अधिकांश जिते रिपोर्ट सरकार देते प्रत्येक दिन ओडिशा जिते रिपोर्ट सरकार देते आज ये 5 रु 6 जन मृत्यु होता कहुए कि अंपटे संबलपुर जिला संबल बुर्ला कोविड हस्पिटाल पूरा पूरी ओडिशा जिते थे रेकर्ड समान रेकर्ड बुर्ला कोविड हस्पिटाल मृत्यु होता संख्या सामना कर निश्चित पक्ष कहीपर जिते बेले सरकार गोटे पटे तथ्य को लुचवा चेस्टा करते ये चित्र और ये तथ्य बर्तमान समय बयान कर पश्चिम ओडिशा बुर्ला कोविड हस्पिटाल किभली स्वास्थ्य सेवा जगह सरकार जहाँ को लेकिन एत मात्र प्रत्येक दिन कोविड रोगी को मृत्यु होथ्य बर्तमान समय आम हाथ लगी तथ्य देखिए कहते 7 दिन रे जो तथ्य आम देखा दस्तावेज जो देखा 7 दिन में 70
जनकर मृत्यु होइछे किंतु सरकार जो कथा कहउछन्ति मात्र जनकर मृत्यु होइछे ये तो आकाश पाताल फरक रहउछे एठारे काईकि आमे पूर्वरु मध्य दृश्य देखाइथिलु जेतेबेले कोरोनार प्रथम लहर थिला सरकार को असल मुखा एवं ये जो मृत्यु तथ्य को सरकार जो भाव में लुचाऊ ये असल मुखा पदार पड़ता से बालेश्वर कथा सामना को आते आम आपको देखाई सत्यनगर जिते देखाई श्मशान चित्र वर्तमान आसूँ संबलपुर राजघाट श्मशान दृश्य आसूँ ये कौटना कौटी समस्त को विचलित करते सब पर आते दिन कहीं ये प्रथम लहर पर द्वितीय लहर अनेक लोकों जीवन जाऊँगी आउ ये सब भितर आसतु शुणा संबलपुर जो मैंने रही सचेतन नागरिक से कौन कौन देखु सरकारी स्तर में जो रिपोर्ट अच्छी सेटा जस्ट कागज पत्र करदे किंतु ग्राउंड रियलिटी बहुत माने डेंजरियस अच्छी बहुत विपद अच्छी जाणीशु सरकार बोधे प्रचार नहीं करवार कि कण कही ना हुए कि देखुन आपंता कहले राजघाट माने डेली आठटा दसटा शब पड़ू जेनटा कि माने एक्सक्लूसिवली कोविड माने आक्रांत शब कि यु तो सरकारी तथ्य कह गोटे जुड़े माने संबलपुर एतक जो मृत्यु है गोटे जुड़े मैक्सिमम तो ये तालमेलटा ठीक हिसाब से नहीं रहबार आपण जिते मरुन तार ठीक रिपोर्ट अच्छे कि नहीं मत तो सन्देह लगुच राजघाट ही तार प्रकृत साखिया केते लोग मरुछन डेली केते जलुचे राजघाट रे तार प्रकृत तथ्य जना पड़ेगा किंतु हेन्ता तो मैंने सरकारी स्तर में केते रिपोर्ट देवे से सरकार कर्मचारी मैंने जानवे से संबलपुर राजघाट को जातु जुई आदो लिभु ना कौन से समय रे भी 24 घंटा से जुई जलिक रोचे आ राजघाट बयान करुच्चे कोरोना परिचालना किभली होती जिला स्तर में लोक पूरा तथ्य ये सरकारी स्तर में लुचा जाऊँच दैनन्दिन अनेक लोक मृत्युवरण करुँच तथ्य ठीक भाव प्रकाश करूना से मैंने ट्रीटमेंट भल हो ट्रीटमेंट नपाई लोक मरी जा सरकार अति संवेदनहीन भलिया कार्य करुछंती सरकार को एते भय काहे के जो माने सचेतनता नागरिक रहिछंती से माने प्रश्न करुछंती प्रकृत रे सरकार को ये भय काहे के सरकार काहे के सत लुचाउछंती सत कहबा को काहे के भय करुछंती काले संख्या बढ़ी गले सरकार बदनाम होइछिबे ये भय सेति पई के जो माने की प्रश्न उठाउछंती जो माने सचेतन नागरिक रहिछंती संबलपुर से माने प्रश्न उठाउछंती वर्तमान हम सहित अधिक आलोचना पई जोडी रहिछंती बुद्धिजीवी तथा वरिष्ठ सांबादिक अनंत महांती श्रीजुक्त महांती आपन को आलोचना को स्वागत करुच्छे ये जो आम कौच आपन को सतुरी दिन अर्थात जो सात दिन भितर सतुरी जनकर मृत्यु होइछे कोरोना रे किंतु सरकार कहते मात्र जनकर मृत्यु होइछे प्रकृत रे ये जो लुचा छपा कम कौन पाई कोरोना एक महामारी ए महामारी प्रकोप को बुद्धिजीवी सांबादिक एवं ता सहित राज्य सरकार विरोधी दल एवं राज्य सरकार जावतीय प्रमुख व्यक्ति विशेष ये समस्त कथा को सेमाने जानी चंती यार प्रकोप उपरे वर्तमान क्षेत्र रे राज्य सरकार जो भली भावे समस्त समस्ते राज्य सरकार सहित ठिया हवा सहित कांध को कांध मिले किंतु जो भली भावे मिथ्या कथा प्रचार करवा अनुचित एवं कोविड रो प्रकोप जथेष्ट परिमाण रे रही कथा को कहीं भी अस्वीकार करिवे ना एवं जो कथा घटी ताहा राज्य सरकार विगत दिन भित्तिभूमि अभाव जो एवं मानव संबल जो माने कि संपूर्ण रूपे माने अभिज्ञ व्यक्ति विशेष रही धवल योद्धा हूँ ह्वाइट वारियर हूँ किंबा डाक्टर हूँ किंबा नर्स हूँ कि आनुषंगिक जो भावे विभिन्न चिकित्सागत जो सब कथा रही से सब क्षेत्र में कौटि ना कौटि बहुत कमी रही से कमी जो आज एभली परिस्थिति तैयारी किंतु गोटे कथा राज्य सरकार जिते मिथ्या कथा कहते जे रोगी रो एवं रोगर प्रकोपता को लेकर ताफल दुईटी कथा मन भितर आस गोटे कथा साधारण जनता भितर गोटे लापरवाही आसपूर्ण रूपे दायित्वहीनता आसि बास्तव कथा एवं प्रकृत मृत्युर कथा जदि लोकालोचना को आसी था लोक मन भितर भी साधारण जनता भितर आपे आपे गोटे भय सृष्टि हुआ एवं निश्चित भाव जोड़ा कि भयर पूरा पूरी तार रेजल्टेंट हिसाब से परिणाम हिसाब से गोटे देखा मिली था सतर्कता किंतु राज्य सरकार सबुठ जेहेतु मिथ्या कथा कहते कौन सी प्रकार मानने कहार भी द्विधा ना यहाँ समस्ते जानती
हुए तो राज्य सरकार मानसिकता रही सत्य कथा जदि स्वीकार कर दि जाए लोकंक साधारण जनता भितर एवं लोकंक मन भितर गुटे भय तयारी हेबो एवं से भय हुए तो कुआडे बहुत किछि क्षति करिवो ए जो चिंताधारा रखी चंदे किंतु से चिंताधारा वास्तव रे भूल राज्य सरकार एही कथा रे कोनोसी प्रकार द्विधा भी प्रकाश करबा उचित नहो कोनोसी प्रकार द्वंद भी तयारी करबा आवश्यक नहो जे मिथ्या कहि लोकालोचन को बा लोकंक मुहरु एडे हि जिबा पई लोक जानि चंदे सांबादिक जानि चंदे बुद्धिजीवी जानि चंदे साधारण जनता भी जानिलेनी जे राज्य सरकारंकर भित्तिभूमिर अभाव रहिछ एवं कोरोना राज्य सरकार तयारी कर नहांती कि कोनोसी राज्य केंद्र सरकार तयारी कर नहांती ताहा एक जैव माने गोटे कह जाए कि भूताणु प्रकोप एवं ता आपे आपे बढ़ुची विगत दिन बहु महामारी भी आसी से महामारी समाज बहु क्षति भी साधन कर महामारी एमती गोटे कि दुई दिन में आम पाखु चलीजी ना एक समस्ते बुझुवा सत्वे राज्य सरकार जो भाई मिथ्या कथा कहते से मिथ्या कथा द्वारा जनसाधारण मन भितर गोटे संपूर्ण रूपे लापर भाई और अणदायित्व कथा उठुच एभली हवा अनुचित किंतु श्रीजुक्त महंती आम पूर्व जो दृश्य देखाई जिते प्रथम लहर घारी से कथा कह बालेश्वर और भुवनेश्वर जो चित्र आम देखाई अर्थात बालेश्वर जो स्वर्गद्वार सहित भुवनेश्वर जो सत्यनगर स्वर्गद्वार ये ही सरकार को मुखा खोली आए द्वितीय लहर जिते सामना को आसी संबलपुर राजघाट श्मशान दृश्य ठीक सेमती सामान ढंग से कहे कहीं सात दिन में जो थे कि ये तथ्य ये रिपोर्ट कहते सतुरी जन मृत्यु होती है सरकारी तथ्य ट्वीट जहाँ कौन एटार मात्र जनकर मृत्यु होती प्रकृत में ये जो लुचा छपा चली लुच काली आते दिन लग रहा समाज क्षति साधन एवं आउ गोटे कथा भी आपण जाणी रखंतु केबे जे आपण जो उदाहरण देले भुवनेश्वर बालेश्वर एवं पश्चिम ओडिसार कथा ता नुह संपूर्ण रूपे दक्षिण ओडिसार भी अनेक श्मशान घाटर चिता आज पर्यंत लिपु नाही एवं जेतेबेले के मार्च 2020 परठारु लॉकडाउन आरंभ हला एवं मे मास ठारु ओडिसा रे कोरोनार प्रकोप प्रथम लहर देखा गला सेई दिन ठारु विभिन्न श्मशान घाटर चिताग्निर केतळ भी लिभिवार प्रश्न उठु नाही किंतु राज्य सरकार ताकु लोकालोचन ठार दूरेवा निजर बाहबा नापी यही कथ सब कर आज ब्रह्मपुर नीलकंठ नगर जोटा कि रही श्मशान रही श्मशान भी से चितार लेलिहान शिखा बर्तमान जारी रही विगत दिन में जो टाटा कोविड हस्पिटाल होता तार परिसर भितर भी होता श्मशान घाटे अग्नि केत लिभु नाला एणु ए सब कथ बहु उदाहरण रही बहु कथ घटू आज भी गंजाम भी अनेक मेडिकल कोविड हस्पिटाल भितर लाश बाहर किंतु जेहेतु काकुड़ी और चाकू तांकरी हाथ रही किभली भाव से माने काटिबे को साइज रे काटिबे को आकार रे काटिबे ताहा पर निर्भर रहुचि एणु किछि प्रशासनिक अधिकारी एवं कोनोसे हाथ बारिश रे व्यक्ति विशेष सेमाने ताहाकु भिन्न ढंग रे प्रदर्शित करुचंती आमे मना करुनु जदि आपण मना भाबुचंती जे समाज रे ताहा हुए तो भय सृष्टि करिवो किंतु ताहा प्रकृति रे भय सृष्टि करु नाही अणदायित्व तयारी करुचि राज्य सरकार आज भी बुझी पारु नाहंती जे ए जो कोरोना रो प्रकोप जोगु ए मिथ्या कथा कहिबा जोगु समाज रो अनेक क्षति साधन घटुचि ताहाकु सत्य को सत्य कथा संपूर्ण रूपे उपस्थापन करिवा आवश्यक जेतेबेले 2020 मसीहा रे आरंभ होइतुवा प्रथम लहर रे मृत्यु कथा घटिला द्वितीय क्षेत्र द्वितीय पर्याय रे आम माने जेतेबेले कि गोटे सचेतन नागरिक हिसाब रे विभिन्न सूचना अधिकार बल रे बहु मृत्यु पंजीकरण संस्था ठारु जानवापी आम चाहिलु जे केते मृत्यु घटी प्रकृत में मार्च 2020 ठारु आज दिसंबर 2020 भितर से बहु कथा बहु मृत्यु पंजीकरण संस्था ताहा को लोकायत रखा बाध्य होती से कथा को से आज पर्यत एड़े चली कथा तथ्य देवारे से बिल्कुल स्पृहा देखा ना तेणु ए सब कथार स्पष्ट जना पड़ू जे कौट ना कौटे आपण आम समस्ते जानूचे आम संपर्क आम सांगसाथी ये समस्ते किए ना किए प्रत्येक दिन संसार जालुची जोटा कि आज सामाजिक गणमाध्यम एवं किसी गणमाध्यम अच्छा जहाद्वर कि प्रकृत बास्तव कथा समाज संपूर्ण रूपे चर्चा घटुची से कथा रे आपण प्रत्येक दिन अनुशीलन करिवे जे सामाजिक गणमाध्यम को प्रत्येक दिन मृत्युर खबर कहीं ना कहीं जन बंधु तार फेसबुक रु तार ट्विटर रु सी तार बंधु को सरकार हणर बार्ता प्रदान करुची किंतु राज्य सरकार मिछ कहि केते दिन मिछ कहिबे जदि मिछ कहि कि से भावुचन जे कोरोना रो प्रकोप लुकायत करि दवा पई ताहाले ओके तो ठीक अछि से करंतु किंतु एभली कथा करबा अनुचित नियति अब ये भय आ केते दिन लागि रहइबो एवं एभली काहि कि सतकु लुचा जाउछि बा ये जो जते बले लोकंकर मृत्यु होइछि कोरोना रे अनेक लोकंक
संपर्क में सरकार कहीं मिथ्या तथ्य रखुंत गोटे बड़ प्रश्न आसू श्रीयुक्त महांती आप सहित जोड़ रही था मुझे निकट को खूब शीघ्र फेरबी कि आम आपको जो तथ्य देखल ये हूँ से ही स्वास्थ्य विभाग जो ट्विट रही है एटारे स्वास्थ्य विभाग सीधा सीधा ट्वीट करुछंती संबलपुर डिस्ट्रिक्ट जणकर मृत्यु होइछि आउ से पुणी 30 तारीख में जणकर मृत्यु होइतबा कथा स्वास्थ्य विभाग पक्षर ट्वीट करा जाउछि किंतु वर्तमान समय सेठाकर जो मैंने रही म्युनिसिपालिटी कर्तृपक्ष कथा कह जाऊ जो मैंने जिलापाल रही संबलपुर जिलापाल कथा कह जाऊ ता सहित आम कहीपर जी स्वास्थ्य मंत्री रही प्रकृत में स्वास्थ्य विभाग जो ट्वीट कर जनावे जड़े लोकर मृत्यु होती एठार स्वास्थ्य विभाग अर्थात जितेबाला स्पष्ट चित्र रखुंत ट्विटर में कितु ता सत्वे स्वास्थ्य मंत्री चुप रहा स्वास्थ्य मंत्री ये निरवता अनेक कि प्रश्न सामना करुच्च प्रकृत में कहीं चुप रही मलई मु पुणि थे आपण निकट को फेर चाहिए जो कथ आप ग्राउंड जीरो दृश्य आपको देखा ये जो आम आपको दृश्य देखाऊ राजघाट श्मशान दृश्य एठार प्रकृत में जो सरकार पक्षर घोषणा करा केवल करोना रोगी शवदाह करते सब सत्य आम देखुचे निभुनी कि सरकार कहते मात्र जनकर मृत्यु हो जाए ये हूँ स्वास्थ्य विभाग ट्विट ये ट्विट को देखो ये ट्विट जब सरकार पक्षर कर स्वास्थ्य विभाग पक्षर करठार स्वास्थ्य मंत्री चुप आठ जिलापाल चुप कौन सी प्रतिक्रिया वर्तमान समय मिल पारी कि निश्चित पक्ष माध्यम देखो घटना हूँ 24-30 तारीख भितर सप्ताहक डाटा आम आनी तथ्य आनीचु सप्ताह भितर गोटे रू दुई दिन भर भिजुआल आनीचु आम गोटे दिन जो समय थी देखी पाखापाखी जो घंटे दुई घंटा थी से समय अनेक पाखापाखी तीन रू चार कोविड रोग शब अणाइला शब दावाई कि अंपटे देखा युकी बर्तमान समय जे ये राजघाट दायित्व रही म्युनिसिपालिटी कर्मचारी म्युनिसिपालिटी कमिश्नर ये नहीं कि मुह खोलापटे देखा जिला जिला प्रशासन ये घटना को लेकिन कौन से प्रकार बर्तमान समय प्रतिक्रिया देना कहीं जिते बेले गोटे निजे सरकार जिते बेले संबलपुर जड़े मृत्यु होता कहते तो से समय एठिक जिलापाल एठिकार म्युनिसिपालिटी कर्मचारी किभली मुह खोल बर्तमान समय प्रश्न उठू कहीं निजे सरकार कहते जे आज संबलपुर जनकर मृत्यु होती पूरापूरी ग्राउंड कथा जना पड़ी संबलपुर 8-10 जन मृत्यु होते बेले सरकार निजे कहते जनकर मृत्यु होती से जिलापाल और संबलपुर म्युनिसिपालिटी कर्मचारी कि भले मुह खोल ये तो बर्तमान समय ये घटना ही जना पड़ी कहीं देखो जिते बेले जो अच्छी बुर्ला कोविड हॉस्पिटल जिते बुर्ला कोविड हॉस्पिटल जिते जन रोगी को कोविड डेथ हो मृत्यु हो समस्त कोविड रोगी को संबलपुर जो अच्छी राजघाट को आणिकी शवदाह कर संबलपुर जो देखुए आप जो से कोविड हॉस्पिटल किभली चिकित्सा जो जाऊँच कोविड हॉस्पिटल स्वास्थ्य सेवा किभली रही जे पाखापाखि प्रत्येक दिन 8-10 जन मृत्यु होती कहीं आप देखुए ये जो मृत्यु जो करोनार मृत्यु होती ये समस्त पश्चिम ओडिशा विभिन्न जिला मानक किए बरगढ़ किए बलांगीर किए झारसुगुड़ा किए बौद्ध सोनपुर विभिन्न जिला मानक रोगी आसला कोविड हॉस्पिटल एडमिट होती चिकित्सापी कि ठीक भाव चिकित्सा मिल पारे जहाँ फल मृत्यु होती परवर्त समय शबदाह बर्तमान समय आप देखुए सरकार का जो नियम अनुजाई जे कोविड हॉस्पिटल मृत्यु परे परे निजे सरकार निजे शबदाह करेंगे तो सीधा साल कोविड हॉस्पिटल बुर्ला कोविड हॉस्पिटल संबलपुर राजघाट को शब अणा राजघाट शबदाह कराई तो अंपटे सरकार का जो तथ्य कहते हैं प्रत्येक दिन जड़े दुईज आप देखुए प्रत्येक दिन टोटाल ओडिशा को मिसेले 7-8 जन मृत्यु होती कहुए कि संबलपुर पाखापाखि से सामान संबलपुर 8-9 जन मृत्यु होता तथ्य बर्तमान समय सामना तो यही घटना ये चित्र ये तथ्य मत बर्तमान समय बयान कर सरकार के मात्र लोकों मृत्यु कोविड मृत्यु संख्या को लुचाई कहीं आप देखो आप ट्विट जो बर्तमान समय देखते संबलपुर जनक मृत्यु हो कहते कि पाखापाखि 7 जन मृत्यु होता जहाँ आम पाखे तथ्य रही जहाँ भिजुआल रही जहाँ पूरा पूरी स्पष्ट कर दूसरी संबलपुर से दिन मृत्यु संख्या के कितु अंपटे निजे राज्य सरकार स्वास्थ्य विभाग ट्विट कर आज जनकर मृत्यु होते पूरा पूरी ये घटना स्पष्ट जना पड़ चुके सरकार किभली तथ्य लुकाई कोविड मृत कोविड शवों तथ्य लुकाई अंपटे ग्राउंड जो रही राजघाटर राजघाट ही राजघाट से जो चित्र बयान करो भाई लगातार जो जुई जलुच्छे लगातार कोविड शवों जो आसूची शव आस चित्र बयान करपटे तथ्य मैं पूरा पूरी भाव बयान करोड शव के मात्रा संबलपुर राजघाट को आज शव दाह कर निश्चित पक्षे कह अंपटे देखो ये बेले एने की तो बर्तमान समय जिलापाल ना महानगर निगम कमिश्नर एने कौन प्रकार प्रतिक्रिया रखि ना कहीं बेले एत बड़ घटना घटू ये घटना समस्त जानते तो निश्चित पक्षे एम कौन प्रकार मुह खोली तो
ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେ କାହିଁକି ମୁହ କଲୁ ନାହିଁ ତା ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ମଳେ ଏଠାରେ ଆମେ କହିପାରିବା କାହିଁକି ଏଠାରେ ଚୁପ୍ ରହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏନେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲୁ ଇଏ ଟ୍ୱିଟ୍ ଥିଲା ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅନନ୍ତ ମହାନ୍ତ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ମୁଁ ଫେରିବାକୁ ଚାହିଁବି ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଟ୍ୱିଟ୍ ରହିଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣଙ୍କର ସେହିଦିନ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ 30 ତାରିଖରେ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ କହୁଛି ବା ଯେଉଁ ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ କହୁଛି ସେହି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 7 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ପ୍ରକୃତରେ ଏଠାରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଚୁପ୍ ରହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଖୋଦ ଏଠାରେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ତ ଏଠାରେ ଚୁପ୍ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ ନିରବତା କାହିଁକି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ଏ କଥା ଆଜି ନୁହଁ ଲଗାତାର ଭାବେ 2020 ଏପ୍ରିଲ ମାସ ଠାରୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରି ଆସିଛେ ଯେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁଭଳି ପିପି କିଟ୍ର ଘୋଟାଲା ଘଟିଲା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଓଏମ୍ସିର ଓଡ଼ିଶା ମେଡିକାଲ କର୍ପୋରେସନର ବହୁ ପ୍ରକାର ଘୋଟାଲା ଘଟିଲା ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ ଏବଂ ସବୁ ଆଲୋଚନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିରବତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ନିରବତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରୁଛି ସେ କେତେ ଅସହାୟ ଅଛନ୍ତି ଏଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ଭରସା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ନାହିଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଗୋଟିଏ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ବୋଲି କେହି ଅନୁଭବ କରୁ ହିଁ ନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ମେଡିକାଲର ଭିତ୍ତିଭୂମି ରହିଛି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ମେଡିକାଲର ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଅସଜଡ଼ା ଅବସ୍ଥାରେ ପଡି ରହିଛି ଏ କଥାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଯେତେବେଳେ କି ଆପଣ ଆଲୋଚନା ଏବଂ ତାକୁ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭିତ୍ତିକ କରିବେ ସେତେବେଳେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଗୋଟେ ହଉଛି ଯେ ଏଠାକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ କୋମା ଭିତରେ ରହିଛି ଏବଂ ସିଏ ନିଜେ ଆଇସିୟୁରେ ରହିଛନ୍ତି ଏଣୁ ଆଇସିୟୁ ଏବଂ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରେ ଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫଳପ୍ରସୂ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି କି ମୋ ସରକାର ବା 5G ର କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉଠି ସରକାର ରାଜ୍ୟ ମାନେ ଲୋକଙ୍କର ଆସ୍ଥା ଜାଣିବାରେ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ସେଇ ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସି ଏବଂ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ଏବଂ ଟିମୱାର୍କର କଥା କହିଛନ୍ତି ଆଜି ସେଭଳି କଥା ଏଠାରେ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ନ ଖେଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ କିଭଳି ଭାବେ ସୁରକ୍ଷିତ କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଦରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବହୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଏବଂ ମାନବ ସମ୍ବଳ ଦକ୍ଷ ମାନବ ସମ୍ବଳ ନିଯୁକ୍ତି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଯଦି ତାହାକୁ ବି ଅଣଦେଖା କରିବେ ଏବଂ କେବଳ ଲକଡାଉନ ସଟଡାଉନ ମାଧ୍ୟମରେ ତାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ତାହେଲେ ଏକ ବଡ଼ ସମାଧାନ ହେବ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ କେବେ ବି ଏଣୁ ମୋ ମତରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି ଆଜି ବି ତୁରନ୍ତ ସମୟ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ ବହୁ ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଉ ଡାକ୍ତରମାନେ ଅବସର ନେଇଛନ୍ତି ଯେଭଳି ଭାବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ସେନା ବିଭାଗ ସିଏ ତାଙ୍କର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ଅପିଲ କଲେ ଆଜି ବି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେଇ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ଅପିଲ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ବରିଷ୍ଠ ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବକ ଅଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବିକା ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ଥିଲେ ଅବସର ନେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ସେମାନଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ନିବେଦନ କରନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଲୋକଙ୍କର ଏବଂ ସମାଜର ଓଡ଼ିଶାର ବିପତ୍ତି ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ହୁଏତ ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି କିନ୍ତୁ ସରକାର ସେସବୁ ନ କରି ମିଥ୍ୟାକୁ ପ୍ରଶୟ ଦେବା ଏବଂ ମିଥ୍ୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ଯିବା ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖକୁ ଠେଲି ଦେଇ ମଶାଣି ପାଖରେ ହାଣ୍ଡି ଲୁଣ ପାଣି ଉପଲବ୍ଧ କରିବାର ଯେଉଁଭଳି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଚାଲିଛି ସେଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଅନ୍ତତ ପକ୍ଷେ ମେଡିକାଲ ପାଖରେ ରୋଗୀଙ୍କର ଅମ୍ଳଜାନ ବୋହିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ଅନେକ କିଛି ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି କାହିଁକି ନା ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛୁ ଅକ୍ସିଜେନର ଅଭାବ କଥା କୁହାଯାଉ ବା ମେଡିକାଲରେ ରୋଗୀଙ୍କର କିଭଳି ଜୀବନ ଯାଉଛି ସେ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ କିନ୍ତୁ ଇଏ ହଉଛି ଅତି ସଙ୍ଗୀନ ତଥ୍ୟ ଯେଉଁଥିରେ କି ପ୍ରଥମେ ତ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି କରୋନାରେ କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ମାତ୍ର ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଆମ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସାହୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଲୋଚନାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଇଏ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ବା ଇଏ ଯେଉଁ ଆମେ ତଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ ପାଖାପାଖି 7 ଦିନରେ ସମ୍ବଲପୁରରେ 70 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ମାତ୍ର ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଯୋଉ ସରକାର ଅଛନ୍ତି ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଦରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ଯୋଉଟା ଅନ୍ତ ବାବୁ କହୁଥିଲେ ସେଟା ସଠିକ ତଥ୍ୟ ସରକାର ଶୋଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଦେଖା ନାହିଁ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି 7 ଦିନରେ 7 ଜଣଙ୍କର କିମ୍ବା 5 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି କଟକ କଥା ପଡିଛି କଟକରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଦର୍ଶାଉନି କିନ୍ତୁ କଟକର ସତୀ ଚୌରା ଶ୍ମଶାନରେ ଅହର ଜୁଇ ଜଳୁଛି ସେଠି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି ଯୋଉମାନେ ଶବ ଦାହ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ସମୟ ମିଳୁନି
କିନ୍ତୁ ଏ ସରକାର ନିଦରେ ଶୋଇଛି। ସରକାର ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ତାର ଯେମିତି କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ କେତେ ରହୁଛି, କୋଉ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଭିଡ୍ରେ ପଜିଟିଭ୍ ହେଇକି କୋଉ ମେଡିକାଲ ଆଡମିସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ତାର ତଥ୍ୟ ସାର୍ବଜନୀନ କରିବା ଦରକାର। ତାର ତଥ୍ୟ ଯେଭଳି ସାର୍ବଜନୀନ କରିବା ଦରକାର, ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ସାର୍ବଜନୀନ କରିବା ଦରକାର। ତାଦ୍ୱାରା ହୁଏତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଭୟ ଆଶଙ୍କା ହବ ଯେ କି କୋଭିଡ୍ରେ ଏତେ ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତେଣୁକରି ଗହଳି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବୁ ନାହିଁ, ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ମାନି ଚଳିବୁ। ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ଜନସାଧାରଣ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କ ହେଇନାହିଁ। ଯେଉଁ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯେଉଁ ଲକଡାଉନ୍ କରିବୁ, ସଟଡାଉନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଉଛୁ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିବୁ, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା କଥା। ଯଦି ସରକାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ କୌଣସି ସୂତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ଦରକାର, ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଡାକ୍ତରମାନେ ବରିଷ୍ଠ ଡାକ୍ତର ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉ। ଏବଂ ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି? ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲ ଯୋଗ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କି ଅଯୋଗ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ? ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର ତାଙ୍କର ହକ୍ ଅଛି ଯେ କି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଠି ଶୋଇଛନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ତରଫରୁ ଦିଆଯାଉଛି ମଶାଣ ପାଖରେ ଓଡ଼ିଶା ମୋ ପରିବାର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ତରଫରୁ ଯୋଉ ମାନ୍ୟବର ଅରୂପ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆସିକି ଗୋଟେ ଟେଣ୍ଟ ଖୋଲି ଯୋଉ ଦଉଛନ୍ତି ମାଟି ହାଣ୍ଡି ଏବଂ ପାଣି ଯୋଉ ଦଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ସେଠି ଦଳର ଅରୂପ ପଟ୍ଟନାୟକ ମାନ୍ୟବର ଆସି ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଦରକାର ସେ ଯୋଉ ଶ୍ମଶାନ ଅଛି, ଶ୍ମଶାନ କେତେ ପରିଷ୍କାର ଅଛି, ଯୋଉ ପ୍ରକାର ସେଠି ଶବଦାହ କରାଯାଉଛି, ପିଲାମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି, କଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଯୋଉ ଶବଦାହ ସଂସ୍କାର ହଉଛି ଯୋଉଠି, ସେ ଶ୍ମଶାନ କେତେ ଦୂର ସାନିଟାଇଜ କରାଯାଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ତଥ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଗୋଟିଏ କଥା ନିବେଦନ କରିବାକୁ କହୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ହଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସତୀ ଚୌରା ଶ୍ମଶାନ ପାଖରେ ଆପଣ ଲାଇଭ ଟେଲିକାଷ୍ଟ କରିପାର ଟେଲିକାଷ୍ଟ କରି ତାର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଦେଖାନ୍ତୁ ଏଠି କେତେ କୋଭିଡରେ ଡେଡ୍ ବଡି ବାହାରୁଛି, ସରକାର ୟାକୁ ଲୁଚଉଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ, ଆ ଭିତର ରହସ୍ୟ କଣ ଅଛି ତାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉନାହିଁ, କିମ୍ବା ସରକାର ଲୁଚଉଛନ୍ତି ଏହାର ମାନେ କଣ ଏବଂ ଏହାର ଅର୍ଥ କଣ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କିଛି ନ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେକି ଲକଡାଉନ ସଟଡାଉନ କଲେ ଲୋକମାନେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବେ, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା କଥା। ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ଯୋଉ ଶ୍ମଶାନ ଅଛି ଶ୍ମଶାନରେ ତାର ସତ୍ୟ ତଥ୍ୟ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣନ୍ତୁ। ନିହାତି ଭାବେ ଏଭଳି ଶ୍ମଶାନର ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ। ଇଏ ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରର କଥା ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବା ଇଏ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ସମ୍ବଲପୁର ରାଜଘାଟ ଶ୍ମଶାନ ଦୃଶ୍ୟ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲେ ଆମ ସହିତ ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ, ଯିଏକି ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ସତୀ ଚୌରା ଶ୍ମଶାନର ମଧ୍ୟ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ସମାନ ଢଙ୍ଗରେ ରହୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଶବଦାହ କରାଯାଉଛି। ଏଠାରେ ଆପଣମାନେ ସିଧାସଳଖ ଭିଜୁଆଲ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ଭିଜୁଆଲରେ କିଭଳି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଆସୁଛନ୍ତି ରୋଗୀ, ପିପି କିଟ୍ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଏବଂ ପିପି କିଟ୍ ପିନ୍ଧି ମଧ୍ୟ ସେ ଶବକୁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏତେ ସବୁ ପରେ ବି କିଭଳି ସେଠାରେ ନିଆଁ ଲିଭୁନି ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲୁ। ଇଏ ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରର କଥା ଆମେ କହୁଥିଲୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଲହର ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ କରୋନାର ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏଭଳି ସମୟରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କିଭଳି ମିଥ୍ୟା ତଥ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସତ୍ୟନଗର ଶ୍ମଶାନରୁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଚିତ୍ର ଆସିଛି ସମ୍ବଲପୁର ରାଜଘାଟ ଶ୍ମଶାନର ଦୃଶ୍ୟ କହୁଛି ଯେ ସରକାର ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ସତ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ କେତେ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଇଏ ହେଉଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଟ୍ୱିଟ୍, ଇଏ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଯେତେବେଳେ ଟ୍ୱିଟ୍ ରହିଛି ଯେ ମାତ୍ର ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ସେହି ଦିନ 7 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଦେଖାଇଲୁ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ କାହିଁକି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଚୁପ୍ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ କାହିଁକି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି? ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ ନିରବତା କାହିଁକି, ଏ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟାକୁ ସରକାରଙ୍କର କାହିଁକି ଭୟ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅନେକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ ଆମ ସହିତ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଯୋଡ଼ି ରହିଥିଲେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ତଥା ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିଥିଲେ ଅନନ୍ତ ମହାନ୍ତି, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି। ଏବଂ ତା ସହିତ ସମ୍ବଲପୁର ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ମଳୟ ଭୋଇ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ରହିଥିଲେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସମୟ ସରିଛି, ବିଗ୍ ବ୍ରେକିଂକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।